हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत प्यारा सा, क्यूट सा, सुपर सा, अच्छा सा मेकअप किट। तो आज हम लोग साथ साथ थोड़ा सा मेकअप ट्राई करेंगे। आप लोगों को सबको पता है कि मुझे श्री ग्लैम के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, जैसा कि मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ श्री ग्लैम के। जैसे कि मैंने पहले फाउंडेशन के, मस्कारा के एंड ऑल बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा मेकअप कलेक्शन भी हो चुका है श्री ग्लैम से, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड ये आपको shein.com पे मिल जाएगा, शीन ऐप पे मिल जाएगा। आप श्री ग्लैम प्रोडक्ट डाल के, श्री ग्लैम डाल के सर्च करोगे, सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो बिना देर के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ द क्यूटेस्ट मेकअप बॉक्स। ये है श्री ग्लैम वेकेशन डेज। तो जैसे इसका नाम है वेकेशन डेज, वैसे ये बना भी है। ब्रीफ केस जैसा है ये, पीछे से इसका लुक ऐसा है, आगे से ये कितना क्यूट 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 सा लग रहा है। और तो और इसमें एक चीज़ ये भी है, जैसे हम जाते हैं ना फ्लाइट में तो ये हमारे लगेज में नहीं लगाते हैं, स्कैन करके वो लगा हुआ है। कितना प्यारा सा, लाइक मुझे इसको लेके ऐसे मन कर रहा है सच में, मैं इसको फ्लाइट में पक्का ऐसे लेके जाऊंगी, है ना, अपने मेकअप इसमें और मेकअप डाल के कुछ कुछ। तो चलो खोल के देखते हैं। बाहर से तो बहुत क्यूट है, एक मिनट, काफी टाइट भी बंद हो रहा है। ये खुल गया। और तो और इसमें बहुत प्यारा सा क्यूट सा बोर्डिंग पास भी है। तो चलो घूमने चलते हैं, मेकअप कर लेती हूँ पहले, फिर घूमने जाएंगे। ओके, और मैं दिखा देती हूँ इसमें और क्या क्या है, थोड़ा पास दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को क्लियर 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 दिखे। ये है श्री ग्लैम वेकेशन डेज सिर्फ अप बॉडी ऑयल। ये बॉडी ऑयल है श्री ग्लैम का। ये है श्री ग्लैम वेकेशन डेज ट्रॉपिकली आई शेडो पैलेट एंड ये आईलाइनर्स हैं। आई थिंक ये वाला दो वाइट क्यों है, ये थोड़ा अलग है। ये आईलाइनर रिमूवर है। और ये है श्री ग्लैम वेकेशन डेज फ्रूट पॉप लिप स्टेन सेट एंड ये बहुत प्यारा सा क्यूट सा कीरिंग। ये जब मैं इसको लेके जाऊंगी ना, तो मैं इसके ऊपर से ये लगा के ले जाऊंगी। तो बॉक्स तो हमने देख लिया, बहुत ही प्रीटी है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। अब हम इसके अंदर की चीजें क्या करते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। सारी अंदर की चीजें निकाल निकाल के देखते हैं कैसी हैं और हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये बॉडी ऑयल है, पहले सबसे पहले बॉडी ऑयल ही देख लेते हैं, उसके बाद मेकअप करेंगे। लेट्स सी कौन से कलर का है, क्योंकि इसमें कई सारे कलर भी आते हैं। ये थोड़ा पिंक कलर में है। अब बॉडी तो पूरी ढक रखी है मैंने, कहीं खुला नहीं है, कहाँ लगाऊं, यहाँ पे लगाती हूँ। एक ड्रॉप गिरा। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही शाइनी है यार, ये तो लगा के मैं बीच पे भी जाऊंगी। वाओ, देखो कितना अच्छा शाइन कर रहा है। हाँ, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है यार, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। और इतना शाइनी हो रहा है बॉडी पे लगाने के बाद। आई थिंक जब आप बीच पे जाओगे या कहीं बाहर जाओगे ना सन में, तो लगाओगे तो बहुत प्यारा सा लुक देगा। इस पे वाटर आएगा तो और ज्यादा शाइनी आएगा ना। मैं तो इसको लगा के बीच जाने वाली हूँ, ये बल्ले। तो बॉडी ऑयल तो आप लोगों ने देख लिया। मैंने इतना ज्यादा मेकअप नहीं कर रखा है, तो मैं मेकअप नहीं हटाऊंगी। मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगा रखी है, तो ये लिपस्टिक मैं थोड़ा सा हटा दूंगी। और इसमें जो जो है उसमें आई थिंक मैं यूज कर सकती हूँ, मैंने आई शेड वगैरह कुछ लगा नहीं रखा है। तो चलो मैं इसी पे यूज कर करके आप लोगों को दिखाऊंगी। ये जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया, ये लिप स्टेन है, कुछ इस तरह की इसकी पैकिंग है। और इसको हम खोलते हैं। ये तीन शेड हैं इसमें, तो चलो इनको हम पहले हाथ पे ट्राई करके देखते हैं इनका कलर कौन कौन सा है, फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमें लगाना। मैं आप लोगों को यहाँ ट्राई करके दिखाती हूँ। ओके, ये कोकोनट है, ये कोकोनट, ये थोड़ा न्यूड सा है क्योंकि ये लिपस्टिक नहीं है प्रॉपर, ये लिप स्टेन है, तो उस तरह ही आया है। ये है लीची, कुछ लीची जैसा है भी, इसका टेस्ट भी टेस्टी लगेगा। ऑफ कोर्स खाना नहीं है, लगाना है, बट थोड़ा सा टेस्ट आता है ना। ये देखो, ये लीची, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, बट लीची थोड़ा पिंकिश में है ना। तीसरा है कीवी,
कीवी को भी ट्राई कर लेते हैं, ये भी लाइट में ही है, न्यूड में। तो ये हो गया कोकोनट, ये हो गया लीची, ये हो गया कीवी। तो आई थिंक हम लोग कीवी ट्राई करेंगे, आई थिंक अच्छा रहेगा कीवी, थोड़ा सा इन दोनों से थोड़ा है। और अब हम ट्राई करेंगे आईलाइनर्स। पहले मैं निकाल लेती हूँ सारे आईलाइनर्स, कौन कौन से कलर हैं इसमें वो भी देख लेते हैं। ये देखो इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये रिमूवर है, आईलाइनर रिमूवर। तो लेट्स सी ये कैसे वर्क करता है। पहले हम ये आईलाइनर्स ट्राई कर लेते हैं, मैं आप लोगों को यहीं ट्राई करके ये भी दिखाती हूँ पहले हाथ पे, फिर हम देखेंगे। ये देखो ये है वाइट और ये है ग्रीन। आई थिंक हम लोग ग्रीन ही ट्राई करने वाले हैं क्योंकि हमारी ड्रेस ग्रीन है, प्रॉपर मैच करेगा वो ग्रीन ग्रीन है ना, हम लोग ग्रीन ही ट्राई करेंगे। आँख पे तो हम लोग ग्रीन ही लगाएंगे, बट मैं सारा आप लोगों को इस पे लगा के दिखा देती हूँ। ये है ब्लू, ब्लू ब्लू, ये वाला ब्लू मुझे बहुत पसंद आता है। इस तरह की मेरे पास कई सारी ड्रेस भी हैं तो कभी कदर मैं उस पर भी चला सकती हूँ ना। और ये है येलो, ये लाइक बहुत डार्क भी है, मुझे ऐसा लगा था कि लाइक ये लिप स्टेन की तरह थोड़े से नॉर्मल होंगे, मुझे दो कोट लगाना पड़ेगा इनका, बट ये बहुत अच्छे से डार्क है। देखो एक लाइन में ही इतना अच्छा आ गया है इनका लुक। और अब हम ट्राई कर लेते हैं रिमूवर, देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। एक इसमें से मैं रिमूव करके दिखाती हूँ आपको, ग्रीन वाला नहीं रिमूव करेंगे क्योंकि हमें ट्राई करना है। हम ये वाला कर लेते हैं रिमूव, देखो बहुत अच्छे से रिमूव हो गया। अब इसको आप अगर हल्का सा वाइप कर दोगे तो ये पूरा रिमूव हो जाएगा। देखो ब्लू इसमें से रिमूव हो गया है, वाह वर्क कर रहा है यार, रिमूवर भी अच्छा चल रहा है। तो मतलब आईलाइनर रिमूव करने के लिए अभी कॉटन क्रीम ये वो नहीं लगाना पड़ेगा, इससे रिमूव। ओके हमने लिप स्टेन ट्राई कर लिया, हमने बॉडी ऑयल भी ट्राई कर लिया। बॉडी ऑयल इतना शाइनी है कि मेरे हाथ में लग गया, वहाँ से सब जगह लग रहा है थोड़ा थोड़ा। ये तो आप लोगों ने देख लिया, ये तो मैं बहुत अच्छे से यूज़ करने वाली हूँ। इसको मैं अपने लगेज वगेज में ले जब जाऊँगी कहीं वेकेशन छुट्टी विट्टी घूमने उमने तो उस पर ये लगा के ले जाऊँगी, बहुत प्यारा लगेगा। अब हमें देखना है इसका जो आई शेड है, निकल रहा है ये इसका, इसमें ऐसे करके डायरी सा लुक दिया हुआ है। वाह कितना प्यारा सा है ना, एकदम ऐसे लग रहा है डायरी, जैसे हम कुछ लिखते उखते हैं ना उसके लिए रखते हैं, कभी जाते हैं बाहर तो वैसा लग रहा है। इसको कहीं ले जाएंगे रखेंगे तो लोगों को लगेगा डायरी, कोई डायरी जान के खोल के लिखने ना लगे। फिलहाल ये ऐसे है, इसमें वेकेशन डेज आगे लिखा हुआ है और ये मेन्यू है, इसमें कौन कौन से कलर हैं और उनके बारे में पूरे डिटेल में लिखा हुआ है। और ये रहा, ये सारे कलर है इसमें, आइसक्रीम फ्लोट है, रूट बियर है, फ्रूट पंच है, पीच फिज है, क्रीम सोडा है, आइस आइस मैच का क्या है, आइस मैचा, अच्छा आइस मैचा है, और क्रिट्यूस स्पीकर्स, हाँ क्रिट्यूस स्पार्कल्स है, लाइम एड है, ब्लू हवाई है, स्पार्कलिंग वाटर है, ओशन वाटर है, बेरी एड। वाओ तो हम लोग अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग क्या ट्राई करेंगे, मतलब आप लोगों को क्या लगता है। आई थिंक मैं इसको थोड़ा सा ट्राई करूंगी क्योंकि ये इसका कलर मेरे को अच्छा लग रहा है, थोड़ा गोल्डन एंड उसमें है। और ऑफकोर्स हमने ग्रीन पहन रखा है तो ये वाला ग्रीन ट्राई करूंगी मैं, और बाकी इसमें से जो आगे पीछे थोड़ा ये करेंगे सेट करेंगे। मुझे इतना अच्छा मेकअप करना नहीं आता है, इसलिए जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ, इवेंट्स में जाती हूँ, कहीं और जाती हूँ, तो मैं मेकअप कहीं और से करवा के जाती हूँ मेकअप आर्टिस्ट से। तो बिना देर किए हम लोग थोड़ा थोड़ा मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं थोड़ा सा ये अपना लिप पे जो मैंने लगा रखा है ये थोड़ा मैं फाउंडेशन से किसी चीज़ से छुपा के इसको कंसीलर से किसी चीज़ से थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे रिमूव करूँगी तो पूरा मेकअप रिमूव करना पड़ेगा। ये बहुत लाइट सा है तो ये हो जाएगा। है ना, अब इसके ऊपर से लिप स्टेन ट्राई करेंगे हम। चला गया ना ये मेरे अरे लिप्स तो नहीं लग रही है क्योंकि मैंने इस पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया है। तो हम करेंगे पहले आई मेकअप। तो मैंने ये वाला ब्रश लिया आई मेकअप के लिए, इससे मैं थोड़ा सा पहले बेस लगा लेती हूँ।
उसको अच्छे से मिलाना होगा, उतना अच्छा ही लाइनर लगेगा। मुझे इतना अच्छा मेकअप करना तो नहीं आता है, डोंट जज कि मैं कैसा कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो ऑफ कोर्स। अभी हम थोड़ा सा ये वाला इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा लाइट लग रहा है। ये हुई ना बात, इससे अच्छा लुक आ रहा है। ये हो गया, अब हम दूसरा ब्रश यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाले से हमने कुछ कुछ लगा लिया, उसमें कलर आ गया। अब ये ग्रीन है, इसका नाम है लाइम एड। तो हम लोग ये लाइम एड जो है यहाँ पे थोड़ा सा लगाएंगे, इसका बिल्कुल ग्रीन सा आ रहा है शेड। अब मैं लगाऊंगी ये व्हाइट वाला जो लाइनर है, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे लगाऊंगी। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा शाइनी सा अच्छा लगता है। और कौन सा यूज़ करें, हम थोड़ा सा ब्लू यूज़ करें साइड में? नहीं, आई थिंक हम स्पार्कलिंग वाटर लगाएंगे थोड़ा शाइनिंग के लिए साइड में। अब हम लगाएंगे ग्रीन लाइनर। मुझे उतना अच्छे से लाइनर आई थिंक ये पकड़ने में ऐसे आ रहा है। पहले कॉर्नर बना लेंगे, अभी मैं रुक जाऊँ मिरर में देख के लगा लेती हूँ। पहले इस तरह से लग गया ग्रीन, अच्छा लग रहा है। आई थिंक मेरे ड्रेस से मैच कर रहा था तो मैंने सोचा मैं ग्रीन ही लगाती हूँ, अच्छा लगेगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। हमने आई शेड ट्राई कर लिया, हमने लाइनर भी ट्राई कर लिए, हमने लिप स्टेन ट्राई करना है। लिप स्टेन कौन सा हमने डिसाइड किया था लगाने के लिए? कीवी फाइनल किया था ना हमने ट्राई करने के लिए, वही ट्राई करते हैं। ये लग गया और ये हो गया हमारा फाइनल लुक रेडी। आई डोंट नो कैसे मैंने मेकअप किया, बट आप लोग बताना मैंने कैसे मेकअप किया है। मैंने सारे प्रोडक्ट यही यूज़ किए, बस मैंने थोड़ा फाउंडेशन पहले से यूज़ किया था, थोड़ा सा आईज़ लिपस्टिक मैंने हटाई दिया था, तो पूरा श्री ग्लैम का ही जो ये किट है इसी से मैंने मेकअप यूज़ किया है, आई का भी लिप का भी। जैसा लिप में मैं हमेशा डार्क लिपस्टिक लगाती हूँ तो ये थोड़ा लाइट लग रहा होगा आप लोगों को मेरे ऊपर, बट मुझे अच्छा लग रहा है। इसका टेस्ट इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है। तो मैं सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आप लोगों को ये लेना है या फिर श्री ग्लैम का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। आप लोगों को ये ज़रूर बताना है कि मेरा मेकअप कैसा लगा और आप लोगों को ये किट कैसी लगी, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे और सारे वीडियोस ला सकूं आप लोगों को। और मैं अपना डिस्काउंट कोड दे रही हूँ, डिस्काउंट कोड आप यूज़ करके 15% डिस्काउंट ले सकते हो। और सारी डिटेल कैसे आप प्रोडक्ट ले सकते हो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो सब लोग जाओ जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो एंड श्री ग्लैम के मेकअप इंजॉय करो। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।